नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था रेडिएंट हीटर्स का, मतलब कि चार तरह के रेडिएंट हीटर होते हैं, सिरेमिक हीटर, क्वार्ट्ज हीटर, हैलोजन हीटर और कार्बन हीटर, जिसमें हमने सबसे टॉप क्वालिटी में रखा था कार्बन हीटर को। काफी सारे व्यूअर्स से उस वीडियो को देखने के बाद में व्यूअर मैसेजेस आए कि सबसे बेस्ट कार्बन हीटर कौन सा, जिसके की रेट भी रीजनेबल हो, क्वालिटी भी बढ़िया हो। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स रिव्यू करने जा रहे हैं ऑर्पेट कार्बन हीटर का, जो कि लगभग 3000 रुपए की प्राइस रेंज में आता है, जिसका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां जाकर आप इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखते हैं कार्बन हीटर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो दोस्तों, ये हमारी मेन यूनिट और इसका मॉडल नंबर है OCH1420 और 1200 वाट के अंदर है। इसके साइड में भी इसके काफी सारे टेक्निकल फीचर्स लिखे हुए, जिनके बारे में आगे के इस वीडियो में बात करेंगे। और इसका MRP 3199 रुपए है, लेकिन ये लगभग आपको 3000 रुपए के आसपास ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारी मेन यूनिट और शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है दोस्तों हमारी मेन यूनिट, कंप्लीट जो हीटर है व्हाइट कलर के अंदर है। प्लास्टिक क्वालिटी की बात मैं अगर करूं तो काफी लाइट वेट है, प्लास्टिक बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, फिनिशिंग काफी शानदार है। सामने ऊपर की तरफ ये है इसका इंडिकेटर, ऊपर की तरफ एक ही नॉब है, जिससे कि आप इसको दो हीट सेटिंग पर चला सकते हैं। इसका टोटल इलेक्ट्रिक कंजप्शन 1200 वॉट है, 600 वॉट और 1200 वॉट दो हीट सेटिंग पर आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और उसी नॉब से आप इसमें ऑसिलेशन का स्विच भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको इसको ऑसिलेट करना है, घुमाना भी है, तो ये 60 डिग्री पर ऑसिलेट करता है, तो वो भी आप इसको वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो हैंडल दिया हुआ है, जहां से अगर आप इसको लिफ्ट करना चाहें तो लिफ्ट कर सकते हैं। इसके वेट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल लाइट वेट है, मतलब इसको इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह ला ले जा सकते हैं। 6 एम्पियर के प्लग के साथ में आता है, तो जिसे आप किसी भी सॉकेट में प्लग कर सकते हैं, चाहे 6 एम्पियर का हो चाहे 16 एम्पियर का हो। कार्बन हीटर में बेसिकली जो एलिमेंट होते हैं, इसके जो एलिमेंट होते हैं, ये कार्बन एलिमेंट से बना हुआ होता है, जिसकी लाइफ काफी अच्छी होती है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें कि रेडिएंट हीटर्स के अंदर टाइप्स की बात की थी, कि कितने तरह के रेडिएंट हीटर होते हैं, जिसका कि लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कार्बन रॉड की सबसे बड़ा बेनिफिट हेल्थ बेनिफिट भी है, भाई हीटिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ साथ हेल्थ बेनिफिट ये है कि इससे जो रेज निकलती है वो इंफ्रारेड रेज होती हैं, जो कि अगर आप डायरेक्ट इसकी रेज के संपर्क में आते हैं तो आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। साथ ही साथ अगर आप इसको एज अ डिसइंफेक्ट यूज करना चाहें तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है। जनरली दूसरे जितने भी रेडिएंट हीटर्स हैं उनसे इसकी जो हीटिंग है वो काफी अच्छी होती है। दूसरे रेडिएंट हीटर्स में रोशनी बहुत ज्यादा होती है, इसमें रोशनी नहीं होती, लेकिन हीटिंग एफिशिएंसी इसका शानदार होता है। अब हम इसको यूज करके देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, अभी जैसे हम इसको प्लग करते हैं, यहाँ पे इसका इंडिकेटर आ जाता है। अब हम इसको सिंगल स्पीड पर चलाते हैं तो अब हल्की हल्की सी हीट आने लग गई। सिंगल स्पीड पर ये 600 वॉट पर ऑपरेट होगा, और अब ये सिंगल स्पीड पर चल रहा है, मतलब कि 600 वॉट। और सेकंड स्पीड पर अगर मैं कर देता हूं तो अब ये फुल एफिशिएंसी, मतलब कि 1200 वॉट पर चल रहा है। और इसके बाद में अगर मैं इसको नॉब को और टर्न करता हूं तो इसका मतलब ये ऑसिलेशन आ गया, मतलब कि ये 60 डिग्री पर ऑसिलेट भी करेगा। दोस्तों, बात करते हैं रिव्यू पार्ट की। तो जब आप मार्केट में या फिर ऑनलाइन सर्च करेंगे कार्बन हीटर के लिए, तो आपको ज्यादातर ब्रांड्स के कार्बन हीटर 4,000 से 6,000 रुपए की प्राइस रेंज में मिलेंगे, और इसकी तो एमआरपी ही 3,199 रुपए है, तो प्राइस इसकी सबसे कम है। लेकिन एक तो ऑर्पेट ट्रस्टेड है, दूसरी चीज इस प्रोडक्ट के ऊपर 2 साल की वारंटी होती है। लेकिन वारंटी के अंदर ये गौर करने वाली चीज है कि जो रॉड्स होती है ये कवर नहीं होती है। अब सबसे जो जरूरी चीज होती है किसी भी हीटर के अंदर, वो रॉड ही होती है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और जनरली मेंटेनेंस भी इसी का ही आता है। तो लेकिन वो रॉड की वारंटी किसी भी ब्रांड में नहीं आती, तो वो ठीक है, वो उसे हम ड्रॉबैक नहीं बोल सकते। अगर हम हीटिंग एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिक कंजप्शन की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया हीटिंग एफिशिएंसी है, और अगर हम ब्लोअर से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक कंजप्शन इसका काफी कम हो जाता है और हीटिंग एफिशिएंसी भी बहुत शानदार हो जाती है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की लाइफ, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, फिनिशिंग काफी अच्छी है, फिनिशिंग में कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अगर आप एक बजट में बढ़िया कार्बन हीटर या फिर हैलोजन हीटर देख रहे हैं तो इसको आप प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हैलोजन हीटर भी अगर आप ढंग के किसी बड़ी कंपनी में देखेंगे तो आपको 2,500-3,000 रुपए के तो हैलोजन हीटर भी मिलेंगे। तो जहां हम इसका पे कर रहे हैं 3,000 रुपए के आसपास ही, तो प्राइस के हिसाब से इसकी वर्थ बहुत बढ़िया है। आपको प्रोडक्ट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।